तो दोस्तों क्वेश्चन है, पेशाब करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेटर, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी बिस्क या फिर ऑप्शन डी स्कीमर। तो इसका आंसर गेस करने के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पी। पेशाब करने को अंग्रेजी में पी कहा जाता है। तो क्या इससे पहले आपको इसका मीनिंग पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलबट्टा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? और सेकंड क्वेश्चन है, कनस्तर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। तो अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, तो हम पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में डाल रहे हैं, उस प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर ले, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में ऐसे कई सारे वर्ड है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं लेकिन हमें उनके मीनिंग इंग्लिश में पता ही नहीं होते। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक कर ले, और ऐसी अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द एंड। धन्यवाद।